हाँ भाई, आज का ये सेट है जो 2012 में पूछा गया था। उत्पाद दारोगा में पूछा गया था। जो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है 2012 का, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सारे के सारे क्वेश्चन ज़रूर से बने रहें इस वीडियो में, आपको ज़रूर सफलता मिलेगा। तो दोस्तों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है? क्यूबा। भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य। आगामी ओलंपिक खेल 2016 की मेजबानी करने वाला शहर है, ये 2012 का है, याद रखें, ठीक है। तो ये है रियो डी जेनेरो। ओके। आइए, थोड़ा सा मिस्टेक, सॉरी। इसका आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरो। अगला क्वेश्चन है, आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है? आयात और निर्यात पर सीमा शुल्क। कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है, कहाँ स्थित है? चीन में। अच्छा, कोलिमा मैक्सिको। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है, कहाँ है? तो इसका भी आंसर सी हो जाएगा, पहले ही टिक लग गया था, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देती है कहलाती है? रिवर्स रेपो दर। हरि प्रकाश चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक हैं? बांसुरी। आर के लक्षण हैं एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? यमुना नदी, हरिद्वार। अगला क्वेश्चन है, यहीं से स्टार्ट हुआ क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो हो जाएगा असम। हीरा कुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? हीरा कुंड बांध, महानदी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखी और किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी अभी शासन नहीं कर रही है? राजस्थान में उस टाइम में नहीं वसुधा राजे बने थे। ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी। जितने भी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, 2012 में कुछ और करेंट अफेयर था, अभी कुछ और है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र ने लिखा है? कौन सा उपन्यास? रंगभूमि। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कौटिल्य के हैं? कौटिल्य, अर्थशास्त्र। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिमी बंगाल को स्पर्श करती है?
सिक्किम, वह संख्या जिसे यूरोपीय देश मिलियन कहते हैं बराबर है, किसके बराबर है? तो 1,000,000। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। सिली पॉइंट, सिली सिली सिली। स्वतत्व गुणधर्म की न्यासिता का सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया? महात्मा गांधी। रथ यात्रा प्रसिद्ध त्यौहार है, रथ यात्रा पूरी का। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है? दादर नगर हवेली। बांग्लादेश का सृजन हुआ, बांग्लादेश का सृजन हुआ 1971 ईस्वी में। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को। योजना आयोग हैं एक, योजना आयोग एक है कार्यकारिणी निकाय। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ पर स्थित है? रांची में हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितनी होती है? तो 65 वर्ष। 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ओके, 1789 ईस्वी की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? तो इसका नेपोलियन बोनापार्ट। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय है? राष्ट्रीय विकास परिषद। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था? एक व्याकरण शास्त्री। निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? अरबों ने। और अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? लोकसभा का सदस्य। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी? सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी? दयानंद सरस्वती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? बेलगांव। भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की? आजाद हिंद फौज, रास बिहारी बोस। एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? मोहनजोदड़ो से। संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यकाल है? संयुक्त राज्य न्यूयॉर्क। सार्क की स्थापना कब हुई? सार्क की स्थापना कब हुई? 1985। G15 एक समूह है, G15 विकासशील देशों का। दो विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत शर्करा भूमि का पट्टा कहलाता है? भूसंधि। बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन से प्रभावित है? किसके जीवन से प्रभावित है? हेलन केलर। एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है,
विस्वत रेखा गुजरती है। 45 का आंसर हो जाएगा आपका इंडोनेशिया। विस्वत रेखा गुजरती है। दीपावली प्रकाश का त्यौहार निर्माण दिन है। दीपावली भगवान महावीर का। HUDCO क्या है? गृह एवं शहरी विकास निगम। गृह एवं शहरी विकास निगम। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? पश्चिमी सीमा बनाती है तो हो जाएगा आरावली। शारदा अधिनियम संबंधित है। शारदा अधिनियम संबंधित है बाल विवाह से। सात टीलों का शहर सिटी ऑफ सेवन हिल्स रोम में है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? शिमला। भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था? वैज्ञानिक सीवी रमन। अगला क्वेश्चन है मेरिल लिंच है एक निवेशी बैंक। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है अक्टूबर 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस। टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम 5 दोहरे शतक लगाने वाला भारतीय हैं। राहुल द्रविड़। अभी तो विराट कोहली हो गए हैं। सूरत शहर किस नदी पर स्थित है? ताप्ती। जापान की करेंसी क्या है? एन। हंड्रेड ईयर्स वॉर 100 साल की लड़ाई एक वृद्ध श्रृंखला है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। इजराइल की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है? निसेट। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितने आरे हैं? 24। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है? राष्ट्रीय अवकाश 25 दिसंबर को। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी सबसे बड़ी है। भारत में सर्वप्रथम अंग्रेज समाचार पत्र आरंभ किया था कब किया था? जे ए हिक्की ने। नियाग्रा प्रपात कहाँ है? यूएसए। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है कौन है? बुध है। मिस वर्ल्ड 2012 किस देश की है? चीन की। प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? चंडीगढ़। अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन था? वित्तीय सलाहकार। सम्राट अशोक के पिता थे? बिंदुसार। निम्न का मिलान करें
निम्न का आप मिलान कीजिए, 71 नंबर आपका 71 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। 71 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। तो सी को आप मिलान कीजिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना इसका हो जाएगा बी में 1951 से 56 ईस्वी तक, और सेकेंड का वार्षिक योजना इसका हो जाएगा आपका 1966 से 69 ईस्वी तक, और फिर थर्ड में है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना इसका हो जाएगा आपका 1969 से 74 ईस्वी तक, और फिर इसका थर्ड फोर्थ का हो जाएगा रोलिंग प्लान का हो जाएगा 1978 से 79 ईस्वी तक। ओके, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है किस पे? ग्रेगोरियन कैलेंडर पे या शक संवत पर? तो आंसर हो जाएगा शक संवत। सबसे प्राचीन भारतीय भाषा है तमिल। निम्नलिखित में से कौन सी यूएनए एजेंसी नहीं है? आईसीआरसी। मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम यह है केरल की। हाल ही में आयोजित राष्ट्रपति चुनाव 2012 में पराजित उम्मीदवार थे कौन थे? ये हो जाएगा सी का आंसर, श्री पी ए संगमा। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वी एस संपत। हाल ही में आदर्श सोसाइटी घोटाला समाचारों में था, यह आदर्श सोसाइटी किस शहर में है? किस शहर में है? मुंबई में। 2012 लंदन ओलंपिक में भारत के कुल 6 पदक जीते, निम्न खिलाड़ियों में से किसने इस पदक सूची में योगदान नहीं दिया? तो अभिनव बिंद्रा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था समाचार पत्रों की प्रसार संख्या का प्रमाणन करती है? एबीसी। वी मल्डन 2012 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? रोजर फेडरर। निम्नलिखित में किस भारतीय ने 2012 रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता? श्री कुलनदेई फ्रांसिस। नवीनतम पुस्तक टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंजर्स के लेखक हैं कौन है भाई? इसका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वाह, बहुत अच्छी बात। भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो इसका है जनरल विक्रम सिंह। अगस्त 2012 में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? वीवीएस लक्ष्मण। सामान्य विज्ञान से पेलियंटोलॉजी अध्ययन है, पेलियंटोलॉजी हड्डियों का। सूती रेशा प्राप्त किया जाता है सूती रेशा बीज से, सही बात है।
वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण होता है, रक्त निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा द्वारा, लाल अस्थि मज्जा द्वारा। सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह है ओ होगा, सही बात है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर चीज़ में आता है सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह। ये हो जाएगा आपका 89 का, हो जाएगा आपका ओ नहीं होगा सॉरी, इसका ए भी होगा ना। अच्छा ओ ठीक है, सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह बोल रहा है। अच्छा ठीक है, तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इनमें होता है क्या होता है, गैस निकोटीन होता है। अलग क्वेश्चन है, 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे होते हैं क्या होता है भैया, इसमें होता है पोलेराइड होता है, पोलेराइड। ओके, डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं, पृष्ठ तनाव, सही बात है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, ऑप्टिकल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। प्रोटीन बने होते हैं, प्रोटीन किससे बना होता है, अमीनो अम्ल से। यूनिवैक उदाहरण है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ओरेकल। डेसिमल से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति है, इन इनकोडर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है, चांदी। सबसे अधिक आघात वर्ध्य धातु कौन सी है, सोना। मनुष्य किस संघ का प्राणी है, मनुष्य। पोरीफेरा, पोरीफेरा का। तो ये था आपका दोस्तों 2012 का क्वेश्चन पेपर सब इंस्पेक्टर का। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद भाई।